इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में नया इंटरफेस यानी कि बदलाव किया गया है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल नया इंटरफेस है। ये इंटरफेस आपको किस तरह से मिलेगा इस वीडियो में बने रहिए। और बहुत दिनों से क्यूआर कोड का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे लोग का क्यूआर कोड शो भी नहीं कर रहा था, इवन मेरे मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन ये जो नया अपडेट आया है, नया इंटरफेस आया है, इसीलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस चेक करने के लिए एक आँख का चित्र मिलेगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा। इसके बगल में आपको सेविंग अकाउंट यहाँ पे दिखाया जाएगा और खाता के लास्ट के चार अंक आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है तो मिनी स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट का भी यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिनी स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासबुक, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पासबुक अगर आप लेना चाहते हैं, लास्ट 60 दिन का, लास्ट 90 दिन का, और यहाँ पे डेट वाइज भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरफेस बता रहा हूँ, क्या सब चेंजिंग किया गया है नया इंटरफेस में, क्या सब ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फंड ट्रांसफर में 3 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे UPI सर्विस की हम बात करें, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद शो माई क्यू आर कोड यहाँ पे स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, अप्रूव टू पे कर सकते हैं, मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपको यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक UPID कंप्लेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मैनेज UPID भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल नया अपडेट है, नया एप्लीकेशन का नया इंटरफेस आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे माई सर्विस की बात करें तो यहाँ पे इसका सर्विस बिल पेमेंट, पोस्ट ऑफिस के जितने भी सर्विस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड मिलते थे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रुपये डेबिट कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने डेबिट कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट में आपको रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर सकते हैं, यहाँ पे DTH रिचार्ज, गैस, फास्टैग यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज पे ही आपको मिल जाता है स्कैन एंड क्यूआर कोड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में आप देख सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, और गैलरी में कोई भी आपका क्यूआर कोड पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक 3 लाइन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको मेन्यू मिल जाएगा, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल में आप देख सकते हैं क्यूआर कोड भी आप शो कर रहा है, क्योंकि ये नया एप्लीकेशन का नया इंटरफेस है, इस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आप लोगों का क्यूआर कोड भी शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे किसी को भी इस क्यूआर कोड को देके पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो नया इंटरफेस आया है, जो नया अपडेट आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में, ये आपको कैसे मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर में जाइए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च कीजिए, यानी कि IPPB सर्च कीजिए मोबाइल बैंकिंग, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, तो प्ले स्टोर से पहले इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे नया इंटरफेस इस एप्लीकेशन का मिल जाएगा, और इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है, और यहाँ पे इस्तेमाल करने में भी आपको मस्त लगेगा। देख सकते हैं ये बिल्कुल नया इंटरफेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लुक ही चेंज हो चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन का। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं।